बंदला ग्राम पंचायत क्षेत्र के डोल पालनगिरी में डायरिया फैल गया है। एक ही परिवार के 5 लोग उल्टी दस्त की शिकायत होने पर जिला अस्पताल में भर्ती हुए हैं। ताजा मामले में गांव के अन्य लोगों को भी उल्टी दस्त की शिकायतें हुई हैं, जिन पर उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां उनका उपचार चल रहा है। बंदला ग्राम पंचायत क्षेत्र के डोल पालनगिरी में डायरिया फैल गया है। एक ही परिवार के 5 लोग उल्टी दस्त की शिकायत होने पर जिला अस्पताल में भर्ती हुए हैं। गांव के अन्य लोगों को भी उल्टी दस्त की शिकायत हुई है, जिस पर उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां उनका उपचार चल रहा है। उधर डायरिया फैलने के कारणों का पता लगाने के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रकाश दड़ोच ने प्रभावित क्षेत्र के लिए रवाना कर दी है। बीएमओ मार्कंड की अगुवाई में मौके पर गई टीम सच्चाई का पता लगाएगी। आखिरकार लोग उल्टी दस्त का शिकार क्यों हो रहे हैं? कहीं धाम या फिर दूषित पानी के सेवन से ग्रामीणों को दिक्कतें पैदा हुई हैं। जल्द ही टीम की रिपोर्ट में खुलासा होगा। इस दौरान शिहड़ा पंचायत के पूर्व प्रधान रूपलाल ठाकुर ने भी अस्पताल पहुंचकर बीमार लोगों का कुशल क्षेम पूछा। इस पर त्वरित संज्ञान लेते हुए जिला अस्पताल प्रशासन ने बीएमओ की अगुवाई में एक टीम कारणों का पता लगाने के लिए बीजी है। बताया जा रहा है कि चिकित्सकों की टीम ने प्रभावित गांव में कुछ बीमार हुए लोगों का उपचार किया है। बिलासपुर जिला अस्पताल में कार्यरत मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रकाश दड़ोच ने बताया कि बंदला क्षेत्र के ढोल पालनगिरी से एक ही परिवार के 5 लोग उल्टी दस्त की शिकायत पर भर्ती किए गए हैं, जिनका उपचार किया जा रहा है, जबकि गांव के अन्य लोग भी उल्टी दस्त की शिकायत पर अस्पताल में भर्ती किए गए हैं। इस मामले पर संज्ञान लेते हुए बीएमओ मार्किन की अगुवाई में चिकित्सकों की एक टीम भेजी गई है, ताकि डायरिया फैलने का कारणों का पता लगाकर समय रहते रोकथाम की जा सके। रात के समय 6-7 बजे के करीब आज बिलासपुर में 5 लोग जो है, जिनका नाम डोल बंदला गांव के नाम से है, वो डायरिया की शिकायत को लेकर आज बिलासपुर में दाखिल हुए। और वो पांचों ही आदमी एक ही परिवार के सदस्य हैं, और उस गांव में कोई और अफेक्टेड फैमिली ना हो इसके लिए, और इस जो डायरिया हुआ वहाँ पे, इसके कारणों को जांचने के लिए आज सुबह ही हमने 9 बजे टीम रवाना कर दी है अंडर चेयरमैनशिप ऑफ बीएमओ मार्कन, ताकि इस कारणों का पता लगाया जा सके कि वहाँ पे क्यों फैला, कि वो फूड पॉइजनिंग की वजह से है, या कोई वाटर सोर्स की वजह से, या कोई अन्य कारण से।